नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, गलती किसी एक इंसान की होती है, या यूं कहिए कि गलत बात कोई एक व्यक्ति बोलता है लेकिन उसका खामियाजा पूरी पार्टी भुगतती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर के दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस की काफ़ी फजीहत हुई है। कांग्रेस नेता ने अपने बयान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांग ली है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने माफ़ी मांगी क्यों और क्यों मैं ये बात कर रही हूं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद बीजेपी के सांसदों ने दोनों सदनों में इस मामले को लेकर के जम के हंगामा किया। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए कोई मुद्दा दिया हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेताओं के बयानों की वजह से पार्टी की जम करके फजीहत हुई है। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों में सबसे ज़्यादा चर्चित बयान वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के रहे हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया था, उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी कांग्रेस की बैठकों में चाय बांट सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चाय बांटने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए जगह की पहचान की जाएगी। एक बहुत बड़ा तंज, एक मतलब कहना चाहिए कि सामने वाले इंसान को अपमानित करने का उन्होंने जो है एक भी मौका नहीं छोड़ा। और इसके बाद मतलब क्या कहें, बहुत ज़्यादा इस मामले पे बवाल हुआ था, बहुत सारी बातें हो गई थी। और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी के खिलाफ अय्यर के चर्चित चाय वाला बयान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की। मणिशंकर अय्यर ने 2017 के गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने उनको नीच इंसान कहा था, जो कि बेहद गलत था। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को निलंबित कर दिया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई थी। कुछ ही महीनों के बाद अय्यर का निलंबन रद्द कर दिया गया था। एक और बात है, अधीर रंजन चौधरी जो है वो अक्सर ऐसे कहना चाहिए कि सिर फिरे से बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने बयानों की वजह से अपनी जो बोलबच्चन है उनके, उसकी वजह से पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर एक बयान दिया था। सरकार ने तब की बाकी देशों से मिल रही प्रतिक्रियाओं पर जवाब देते हुए कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है, जबकि 1948 से संयुक्त राष्ट्र इसको मॉनिटर कर रहा है। अब आते हैं मनीष तिवारी ने किस तरीके से अपनी जो पार्टी है उसकी फजीहत करवाई थी। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिसकी वजह से कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा था कि भारत को 26/11 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी।
उन्होंने किताब में लिखा कि जब सैकड़ों निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उस समय संयम ताकत की निशानी नहीं, इसे कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। 16/11 एक ऐसा समय था, 26/11 एक ऐसा समय था जब कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अच्छा, ये तो थी मनीष जी की बात। अब आते हैं सोनिया गांधी और सलमान खुर्शीद के को लेकर के। इन लोगों ने भी कुछ कम नहीं किया है, लेकिन बीजेपी को हमेशा इन बयानों से फायदा ही मिला है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने पर पार्टी की काफी फजीहत हुई थी। इस सूची में सलमान खुर्शीद का भी नाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी जिहादी समूहों से की थी। खुर्शीद की किताब को लेकर के विवाद यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव से कुछ महीने पहले आया था और इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उठाया था। इन चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी बयान हो उससे फायदा मिला बीजेपी को। अच्छा, कई और नेता हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए और उसका भी फायदा कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को उसका फायदा हुआ। कांग्रेस नेता जयराम नरेश भी अपने बयानों के लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने 2012 में कहा था कि देश में शौचालयों से ज्यादा मंदिर हैं। इस मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई दक्षिणपंथी संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। और वहीं 2019 में सैम पित्रोदा की हुआ तो हुआ टिप्पणी को लेकर के भी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस को घेरा था। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि हुआ तो हुआ। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल सैम पित्रोदा ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था। पित्रोदा ने बाद में अपने बयान के लिए माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मैंने जो बयान दिया था वह पूरी तरह से उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया क्योंकि हिंदी अच्छी नहीं है। मेरा मतलब जो हुआ वो बुरा हुआ, ये मेरे दिमाग में था लेकिन मेरी जुबान से जो है वो शब्द नहीं निकल पाया, बुरा केवल मुंह से निकला तो जो हुआ हुआ। अच्छा, कांग्रेस विधायक के बयान ने काफी सारी मुश्किलें खड़ी की हैं। ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कर्नाटक से कांग्रेस विधायक KR रमेश कुमार ने भी कुछ ऐसी बात कही थी जिसको लेकर के पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक से कांग्रेस विधायक KR रमेश कुमार ने ये कहा था कि नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर हमने अपनी 3-4 पीढ़ियों के लिए खूब पैसा बनाया है, अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए हम इतना त्याग नहीं कर सकते तो ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बयान सामने आए हों। अक्सर ऐसी चीज़ें, ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं द्वारा आते रहते हैं। उल्टा कांग्रेस को ही इससे मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने दिसंबर 2021 में ये कहा था कि रेप रोक सको तो अजीबोगरीब सा एक उन्होंने बयान दिया था रेप को लेकर के, रेप ना रोक सको तो लेट कर मजे ले लो। बेहद
कहना चाहिए कि सिरफिरा सा बयान है, इसको कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन इस बयान से कांग्रेस की काफी फजीहत हुई थी। और हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने कभी कुछ करके पार्टी को आज ये दिन दिखा दिया है कि उन्हें बार बार माफी मांगनी पड़ रही है। मतलब आप ये देखिए ना कि किस तरीके से बयान कोई देता है, फेस पार्टी करती है, और उसका फायदा किसे मिला। आप अगर एक बार पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं किसी अपने बयान से, तो आप ये मान के चलिए कि उस पार्टी का फायदा हो रहा है। कम से कम जो बीजेपी है उसे तो इसका फायदा ही मिला है। जितनी बार जैसे बयान हुए माफी मांगनी पड़ी, संसद के सामने माफी मांगनी पड़ी, लिखित माफी मांगनी पड़ी, जैसा कि अब राष्ट्रपत्नी शब्द पर इनको अधीर जी को अपने बयान पे लिखित माफी मांगनी पड़ी राष्ट्रपति महोदया से, तो पार्टी की किरकिरी करते हैं, अपनी किरकिरी करते हैं, अपना भी पॉलिटिकल जो करियर है उसमें एक धब्बा लगाते हैं। क्या कहते हैं आप इस कंटेंट पे? आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज इतवार है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय दोस्त।